पराक्रमो विजयते कमाऊ रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है। कमाऊ रेजिमेंट भारतीय सेना के सबसे बहादुर रेजिमेंटों में से एक है। इस रेजिमेंट के फाउंडर सर हेनरी रसल थे। रेजिमेंट मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊनी और हरियाणा के मैदानों से रहने वाले अहिरों यादों से बना है। कहीं कहीं इस रेजिमेंट को अहिर रेजिमेंट के नाम से भी संबोधित करते हैं। कमाऊ रेजिमेंट 1813 में बनाया गया था और इसलिए पहली भारतीय सेना के रेजिमेंट 19वीं शताब्दी में निर्मित हुई पहली रेजिमेंट थी। दरअसल शुरुआत में ये रेजिमेंट कुमाऊ के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि 1945 तक 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। अंत में 27 अक्टूबर 1945 को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर 19वीं कमाऊ रेजिमेंट कर दिया गया। आज़ादी के बाद उपसर्ग 19वीं को भी हटा दिया गया था। कमाऊ रेजिमेंट पहली ऐसी रेजिमेंट थी जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस कमाऊ रेजिमेंट ने जब भी देश को इनकी जरूरत पड़ी है, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की रक्षा की है। कमाऊ रेजिमेंट की वीरता ही है जिससे सियाचिन बना भारत का हिस्सा। यही कमाऊ रेजिमेंट लद्दाख एस्कॉर्ट्स था जो 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा कर सियाचिन को भारत का हिस्सा बनाया। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। कमाऊ रेजिमेंट के 13 कमाऊ ने रजांगला की लड़ाई लड़ी जो मानव युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ा लास्ट स्टैंड वॉरफेयर था। इस लड़ाई में भारतीय सेना के सिर्फ 120 सैनिकों ने चीन के 13 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय सेना के 114 सैनिकों ने इस लड़ाई में मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। 13 कमाऊ के मेजर शैतान सिंह को रजांगला की लड़ाई में उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह का शव 3 महीने बाद बर्फ पिघलने पर सर्च ऑपरेशन में पाया गया और उस वक्त भी उनकी हाथों में पकड़ी हुई बंदूक से उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी। कुमाऊ रेजिमेंट के पास 2 परमवीर चक्र है। नंबर 1 मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत पाक युद्ध 1947 के दौरान मिला और मेजर शैतान सिंह को भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान। कुमाऊ रेजिमेंट को बहुत से मेडलों से सम्मानित किया गया है। ये इंडियन आर्मी के हाईली ट्रेंड एंड डेकोरेटेड रेजिमेंट है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले वीर सैनिक 4 बटालियन कमाऊ रेजिमेंट के श्री मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कमाऊ रेजिमेंट के देश भर में 21 से ज्यादा बटालियन मां भारती की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इस रेजिमेंट ने देश के 3 सेना प्रमुख दिए हैं। किसी भी इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा सबसे ज्यादा सेना प्रमुख देने वाला रेजिमेंट है हमारा कमाऊ रेजिमेंट। कमाऊ रेजिमेंट के शौर्य पराक्रम के चलते हमने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती है, चाहे वो रजांगला का युद्ध हो या भारत पाक युद्ध हो। कमाऊ रेजिमेंट हमेशा अपने देश के लिए खड़ी रहती है। 1947 या 1962 के युद्ध के लिए विशेष गौरवपूर्ण माना जाता है कमाऊ रेजिमेंट को। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है उन्हें सत सत नमन और भगवान उन्हें के परिवार को दुनिया की सारी खुशियां प्रदान करें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं डायनेमिक सक्सेस यूट्यूब चैनल। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में ही बेल आइकन वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। नमस्कार।